दोस्तों, आज से ठीक 5 दिन आगे मैं एक वीडियो को अपलोड किया था और उस वीडियो पे 1300 के करीब व्यूअर्स आ गए। आप लोगों के लिए ये कम होगा लेकिन मेरे लिए बहुत है। आज मैं उस वीडियो के लास्ट में क्या हुआ एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे रणविजय सर ने कहा कि दोनों के बीच एक टास्क कर लेते हैं और उस टास्क पे प्रिंस जीत के तो आदित्य शर्मा को माफ़ी मांगनी होगी, जिसके बाद आदित्य शर्मा राजी हो जाता है। तो रणविजय सर पहला टास्क देते हैं, जिस टास्क को पहले करने प्रिंस जाता है और वो बहुत अच्छा से टास्क कर लेते हैं। उसके बाद जाता है आदित्य शर्मा और वो 1 मिनट 50 सेकेंड में कम्प्लीट कर लेते हैं और आदित्य ने वो 50 सेकेंड में कर लिया था और इस टास्क पे प्रिंस जीत जाता है। अब आता है सेकेंड टास्क, जो प्रिंस 33 सेकेंड में कम्प्लीट कर लेता है और वही आदित्य को ऑलमोस्ट 2 मिनट लग जाता है और भाई इस टास्क भी प्रिंस जीत लेता है। अब आता है भाई तीसरा टास्क। तो भाई इस टास्क पे दोनों के सामने कुछ डिब्बे रख देते हैं और उन डिब्बों को बॉल फेंक के गिराना पड़ता है 1 मिनट के अंदर। जिसने ज़्यादा डिब्बे गिरा लिया भाई वो जीत जाएगा। तो इसमें भी प्रिंस जीत लिया था, जिसके बाद आदित्य शर्मा ने सॉरी बोला प्रिंस को। तो दूर से बोलना भाई आसान था, लेकिन जब सही में आदित्य को टास्क करने के लिए बुलाया गया तो वो कुछ नहीं कर पाए। खैर, आप लोग भाई क्या सोचते हो कमेंट में बताना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना।